तकरीबन 2 घंटे लगे हमें लाहौर से शेखपुरा आने के लिए और तकरीबन 7 किलोमीटर था हिरन मीनार। रास्ते में रश काफ़ी था। ये जो है ना शान, ये व्लॉग नहीं बनाने देता कभी भी। तो ये व्यू है थोड़ा सा हिरन मीनार का। गर्मी काफ़ी है लेकिन क्या है कि राइड के लिए ना फिर ऐसे मौसम को इग्नोर करना पड़ता है। शान क्या कहना चाहोगे? इग्नोर करना पड़ता है बिल्कुल। अच्छा हिरन मीनार तो आगे, इसकी डिटेल देखते हैं जाके। अभी हमें इतना आइडिया नहीं है हिरन मीनार की क्या वजह थी इसके पीछे, तो शान को शायद पता हो। ये हिरन मर गया, हिरन मीनार नाम हो गया था उसका। चले आपको बताते हैं जाके। सामने बोर्ड लगा तो हुआ है, देखते हैं। ये हिरन मीनार की एंट्री है। जब भी मैं आया हूँ, मैं इधर दूसरी दफ़ा आ रहा हूँ, तो ये दरवाज़े इन्होंने बंद ही रखा है। पता नहीं इसकी क्या वजह है, लेकिन इनको चाहिए कि खोलें ताकि आगे जाके देखें अंदर जो उनका मीनार सामने नज़र आ रहा है आपको भी कि इसके अंदर क्या चीज़ है। लेकिन क्या कह सकते हैं गवर्नमेंट के बारे में। जो हिरन मीनार की डिटेल है वो मैं आपको दिखाता हूँ। पीछे ही नज़र आ रही होगी आपको, इसको पॉज करके आप देख लें अगर क्लियर नज़र आ रहा है तो। हिरन मीनार में एक मीनार है जो जहांगीर शहनशाह ने बनाया था। उसकी कहानी ये है कि जहांगीर शहनशाह को एक हिरन मिला था जंगली, तो उसने कुछ महीने पाला था लेकिन वो मर गया। उसने उसकी याद में उसकी तो एक कब्र बनाई और उसके ऊपर एक फिर मीनार तामीर किया। मीनार नीचे से गोलाई में जा रहा था लेकिन ऊपर जैसे जाते हुए छोटा होता जा रहा था, तो वो तो रोक दिया। लेकिन जो इस मीनार की जो हाइट है वो 103 फीट है। यह आपको मैं दिखाता हूँ, कुछ इस तरह का ये है। वापसी पे जाते हुए खा लेते हैं, अब खाना खाते हैं फिर आपसे मुलाकात करते हैं। पहुंच गए थे तकरीबन 2 घंटे में और आज का व्लॉग फिर यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद है कि हमारा व्लॉग अच्छा लगेगा आपको। जो चीज़ आपको कमी महसूस हो तो लाजमी कमेंट सेक्शन में बताना ताकि नेक्स्ट टाइम हम उस चीज़ को बेहतर करने की कोशिश करेंगे। वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलना। अल्लाह हाफिज़।